अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। सो प्रिटी रिसेंटली आई गॉट दिस क्यूट से लिपस्टिक्स फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड पिंक फ्लैश, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये फुकैलेओर का इन हाउस ब्रांड है, मतलब उन्हीं के अंडर है ये ब्रांड। और अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं इनके पास, आराम से हर कोई ईजिली अफोर्ड कर सकता है। तो ये कुछ चार लिपस्टिक्स हैं जो कि मैंने पिंक फ्लैश से ऑर्डर की थी। वैसे मैंने अपने लिए ईद के लिए ही की थी, ये मेरा कोई इरादा नहीं था इस पर सेपरेट वीडियो बनाने का, लेकिन जब मैंने ये ट्राई की तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने कहा जल्दी से इसकी वीडियो बना के मैं ईद से पहले अपलोड करती हूँ ताकि आप सबकी भी हेल्प हो जाए। अच्छा, सो इसमें से मैंने दो मैट लिपस्टिक्स बाई की हैं और ये दो इसमें से ग्लॉसेस हैं। अच्छा, रिसेंटली मुझे ग्लॉस से लिपस्टिक और बाकी ग्लॉस से लिप्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो इसीलिए आजकल मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ग्लॉस में। चलें आपको मैं जल्दी से इसके स्वेचेस वगैरह दिखाती हूँ और डिटेल्स वगैरह इसकी बताती हूँ। अच्छा, सो हेयर इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही छोटी सी क्यूट सी लिपस्टिक है ये। अगर आपने पिंक फ्लैश के बाकी प्रोडक्ट्स देखे हो ना, तो सभी के पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अडोरेबल होती है, बहुत क्यूट क्यूट सी होती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। बाकी इस पर ये कुछ रैपर है, इस पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, मैंने हटाया नहीं था, मैंने कहा आपको वीडियो में दिखा दूंगी है, तो इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ। इसकी ये रैपर वाली पैकेजिंग हटा के ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। ओके, सो इसका शेड नंबर है P02 और मैं आपको ओपन करके ही दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, नॉर्मल जैसे लिपस्टिक के वॉन्ड्स होते हैं बिल्कुल वैसा ही है। और इसका स्वाच मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, रिस्ट पे आप लोग देख लो, बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है, ऑनेस्टली बहुत ज़बरदस्त पिगमेंटेशन है। और इसके अलावा ये मैट लिपस्टिक है, लेकिन स्टिल आपको याद होगा मैंने फाह ब्यूटी की कोई मैट लिपस्टिक दिखाई थी आपको, आई थिंक 750 तक की ली थी मैंने वो, लेकिन स्टिल इतना कोई बेकार ड्राइंग फार्मूला है ना उसका कि लिप्स पर लगता है पता नहीं क्या प्लास्टर ऑफ पैरिस लगा दिया जैसे। लेकिन ये वाली मैट लिपस्टिक का फार्मूला बहुत जेंटल है, बिल्कुल भी लिप्स पर क्रैकी और ड्राई फील नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है लगा के भी। अच्छा, सो हेयर यू कैन सी द शेड, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग पिंक कलर नहीं है, आई थिंक थोड़ा सा मोबाइल में इसमें लग रहा है, इट इज़ मोर ऑफ अ डस्टी एंड मेच्योर टाइप ऑफ पिंक कलर, आप देख सकते हैं शेड इसका। ओके जी, सो ये दूसरी वाली लिपस्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी पिंक फ्लैश की है और ये भी मैट लिपस्टिक ही है। इसका शेड नंबर है N05। मैंने काफ़ी सारी न्यूड लिपस्टिक्स बाय की हुई हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी शेड से इतना सेटिस्फाई नहीं हुई जितना इस वाले से हुई हूँ। मतलब वो एक जो परफेक्ट वाला न्यूड लिप कलर होता है ना, मुझे ये वैसा लगता है। एंड अच्छी बात ये सारी स्किन टोन पर अच्छा लगेगा ये, स्पेशली जिनकी ब्राउन या डस्की स्किन टोन होती है उन पर भी काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा, लेकिन बस आपको ब्राउन लिप पेंसिल से अपने लिप्स का आउटलाइन करना है फिर ये लगाना है। बाकी इसका स्वाच आप देख सकते हैं, मैंने आपको रिस्ट पर दिखा दिया है, ये काफ़ी अच्छा शेड है, आप देख सकते हैं। चलें जी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी फेवरेट से लिप ग्लॉस और इसका शेड नंबर है G02। अच्छा, पैकेजिंग वाइज ये बिल्कुल सेम है मैट लिपस्टिक की तरह ही, कोई खास फर्क नहीं है। और इसको ओपन करके दिखा रही हूँ आपको मैं, ये देख सकते हैं आप, इसका फार्मूला इतना कोई मज़े का फार्मूला है, बिल्कुल भी ग्रीसी या ऑयली फार्मूला नहीं है, बहुत लिप्स पे जेंटल और मॉइस्चराइजिंग फील होता है, लिप बाम की तरह फील होता है। स्वाच में आपको इसका दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं, सच्ची बता रही हूँ बेहतरीन फार्मूला है और इस प्राइस में तो एकदम जैकपॉट है आपके लिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको लिप ग्लॉस पसंद है। तो ये मैंने बाय की थी, थोड़ा सा पिंक शेड है इसका, क्योंकि जब आप स्मोकी आइज़ करो या फिर डार्क मेकअप आई का कर लो तो कुछ लाइट से शेड अच्छा लगता है, और लिप ग्लॉस आजकल चल भी रही हैं तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये वाला शेड जो है, आई थिंक जिनकी डार्क डस्की टोन होगी ना उनके ऊपर इतना सही नहीं लगेगा। अगर आपका थोड़ा फेयर कलर है या मीडियम फेयर है या वीटिश कलर है तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, सो अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी बेस्ट परचेज, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि ये है बिल्कुल क्लियर ग्लॉस, ट्रांसपेरेंट ग्लॉस है ये, इसका शेड नंबर है C01। अच्छा, इसका बेनिफिट पता है क्या है, आपने जो भी लिपस्टिक लगानी हो आप लगा लो और उसके ऊपर बस ये क्लियर ग्लॉस लगा लो, तो ऐसा लगेगा आपने उसी कलर की ग्लॉस लगाई है। तो इससे आपकी बचत ये होती है कि आपको बहुत सारे अलग अलग कलर की ग्लॉस नहीं खरीदनी पड़ेगी, या फिर डार्क ब्राउन कलर से लिप्स आउटलाइन करके आप सिंपली बस ये क्लियर ग्लॉस लगा लो तो भी काफ़ी अच्छी लुक आती है, कुछ इस तरह से दिखता है। सो आई थिंक बहुत अमेजिंग चीज़ है ये। बाकी हाँ, इसका जो वॉन्ड है ये नॉर्मल लिपस्टिक की तरह नहीं है, ये सिलिकॉन का है, एंड आई थिंक के बहुत अच्छी बात है। अगर नॉर्मल लिपस्टिक जैसा वॉन्ड होगा तो जो लिपस्टिक आपने पहले से लगाई हुई है ना उसका इस पर सारा कलर आ जाएगा, फिर आपको पता है पूरी ग्लॉस ख़राब हो जाएगी। तो ये सिलिकॉन का है तो बेहतर रहता है, इससे बिल्कुल भी लिपस्टिक का कोई रेजिड्यू नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आप लिपस्टिक के ऊपर लगा रहे हो तो मेरे ख्याल से, मैं तो यही करती हूँ, क्योंकि किसी टिश्यू पेपर से या कॉटन पैड से इसका वॉन्ड साफ़ करके देन इस बॉटल में डालिएगा, मतलब एहतियात अच्छी है ना। अच्छा, आई डोंट नो मैंने इसका स्वाच क्यों दिखाया है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, कुछ दिखेगा भी नहीं, लेकिन दिखा दिया है मैंने, तो आप देख लें, बिल्कुल सेम लिप ग्लॉस की तरह इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल भी ऑयली है, ग्रीसी नहीं है, मॉइस्चराइजिंग है बल्कि। हाँ जी, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मैट लिपस्टिक ज़्यादा पसंद है या ग्लॉसेस, मैं तो आजकल टीम ग्लॉस में हूँ भाई। अच्छा, सो ये सारे शेड्स बहुत अच्छे लगेंगे ईद के हिसाब से, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, सो मुझे आप लोग यूज़ करके ज़रूर बताइएगा। एंड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, अपना अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।